अब देखिए क्या बोला है भैया, बेसिक क्लियर रहेगा तभी बनेंगे क्वेश्चन। मैं आपको ये बता दूं, फार्मूले मालूम होना चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है और आप डायरेक्ट देख रहे तो एक फार्मूला आया, उसको समझने की कोशिश की, तब तक दूसरा नया फार्मूला आ गया। और आपने जब पूरा बेसिक देखा तो एक तरफ से सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हुई है। फिर आप देखिए ना, कोई भी क्वेश्चन करिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, जितना बेसिक मैंने बताया उसमें कोर्स के अंदर, वो सारा बेसिक कर लीजिए आप। एक तरफ से करेंगे ना, सारा समझ में आएगा। उसकी टेक्निक भी बताइए कि किस बेसिक को कैसे याद रखना है, परिभाषाओं को कैसे याद रखना है, सूत्रों को कैसे याद रखना है, सारी बातें हमने डिस्कशन किया था जब पढ़ा था, है ना। हर एक क्वेश्चन है उसमें, तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है ना, और एक तरफ से देखते जाएंगे तो सारी बातें समझ में आएगी। और यदि आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो, मैं तो अब तो डायरेक्ट एमसीक्यू ही करूँगा, बेसिक बेसिक नहीं करना है मुझे, बेसिक के एग्जाम में आता है क्या? नहीं आता है भाई, डायरेक्ट बेसिक थोड़ी आता, पूछा थोड़ी जाता आपसे। बेसिक, बेसिक का उपयोग किया जाता है क्वेश्चन को हल करने के लिए, बेसिक का उपयोग किया जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि नियम तो वही लगेगा ना। तो चलिए ठीक है, यदि बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इजिकल टू कितना, 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x और प्लस 2, ये एक बहुपद दिया है। के शून्यक, इसके शून्यक कौन कौन है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, ये तीन शून्यक इसके दिए हुए हैं। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ये मालूम है क्या है? तीन फार्मूले हैं अगर आपके पास में। यदि त्रिघाती बहुपद है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और तीसरा फार्मूला है अल्फा बीटा और गामा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, इसका फार्मूला होता है सी डिवाइडेड बाय ए, और इसका फार्मूला होता है माइनस डी डिवाइडेड बाई ए। ये कौन है, ए है, ये कौन है, बी है, ये कौन है, सी है, और ये कौन है, डी है। ए बी सी डी मान रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। किसका मान पूछा आपसे, इसका, बाकी की चीजें नहीं करना है, वो तो अभी हम समझने के लिए कर रहे हैं। यहां पर सी डिवाइडेड बाय ए, ए बी सी, सी का मान कितना है, माइनस 3, और डिवाइडेड बाय ए तो 6, सी डिवाइडेड बाय ए, 3 से 2 बार कैंसिल तो माइनस 1/2, ये हो गया इसका आंसर। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाता कि ये ज्ञात करिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा जाता, नहीं पूछा ऐसे। हालांकि इसमें क्या आ गया आंसर, -1/2, ये वाला करेक्ट आंसर है, -1/2। तीनों का गुणनफल पूछा जाता है, तो माइनस डी का मान कितना है, 2, और ए का मान कितना है, 2/6, यानी कि 1/3। ठीक, और इसका मान पूछा जाता तो माइनस बी, बी का मान कितना है, -11, और डिवाइडेड बाई ए 6, तो माइनस माइनस प्लस 11/6। देखिए अगर गलत भी कर दिया तो उसका भी आंसर मिल रहा है आपको, तो सावधानी रखना है और प्रैक्टिस करना है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, है नहीं बोला है, नहीं है, 5x² और -3√2+4, अंडर रूट 6 कर दो ना, क्या माथा बच्ची करना है आपको। केवल ये देखना है कि x की घात और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, डेज कंटिन्यू। अगर चर की घात सारे पद में इनमें से कोई ना कोई है तो बहुपद है, अदरवाइज बहुपद नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल काम, बहुपद है या नहीं है। यदि इनमें से अऋणात्मक, मतलब कोई भी धनात्मक हो चाहे 0 हो, घात अगर है तो बहुपद है, नहीं है तो नहीं है, बस सीधी बात यह है, बस यही तो बात चेक करना है हमें, यही बात चेक करना है। अगर पता चल गया कि तो है नहीं तो नहीं है, कितना सिंपल काम है, एक से की घात 2 है, हाँ है ना, बढ़िया काम हो गया। ये तो अचर है ना, अचर पर दिमाग नहीं खपाना है हमें, केवल चर की घात को देखना है बस।
किसको देखना है? केवल चर की घात को देखना है। यहाँ चर की घात कुछ नहीं मतलब जीरो है। देखिए यहां पर दो है घात और यहां पर जीरो घात है, मतलब बहुपद है। यहां पर तीन घात है, यहां दो है, यहां पर एक है और यहां पर कुछ नहीं मतलब जीरो है। कहने का मतलब इसी में से कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। x प्लस वन बाई एक्स, इसका मतलब क्या है मालूम है? जानते हैं आप, x प्लस x की पावर माइनस वन। यहां पर x की घात कौन है? वन। और यहां पर कौन है? माइनस वन। माइनस वन आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए, माइनस वन नहीं आना चाहिए, ये कुछ आना चाहिए ऐसा कुछ, माइनस वन नहीं आना चाहिए। आ गया तो फिर ये बहुपद नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन होगा? ये होगा, ये भी बहुपद है। देखिए पावर दो, पावर एक और पावर यहाँ पर, अचर की नहीं देखना है आपको, चर की देखना है। तो चर है ही नहीं यहाँ पर, तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बहुपद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य बराबर किंतु विपरीत चिन्ह के हो, तब ए का मान क्या होगा? सोचिए आप, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो बिल्कुल नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट देखा जाए तो नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट है। कैसे कैसे नाइन्थ क्लास का कॉन्सेप्ट है? थोड़ा सा आप ऐसा देखिए कि x क्या है? बराबर है शून्य किंतु विपरीत चिन्ह के है। x माइनस ये और x प्लस ये, ऐसी कुछ बोला है क्या? इससे शून्य क्या हो जाएगा? एक से इजिक्वल टू ए हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा शून्य? एक से इजिक्वल टू माइनस ए। बराबर है दोनों, दोनों बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह के है। ये चिन्ह विपरीत है, एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक, ऐसे ही कुछ बोला है ना क्वेश्चन में भाई। हमसे बोला है कि एक जो भी शून्य रहेगा उसका विपरीत चिन्ह रहेगा लेकिन बराबर रहेगा। हाँ है, सही बात है। इसका मतलब अगर दोनों को हल किया जाए तो क्या आएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? एक सी स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बहुपद आएगा। मतलब ये ऐसा आएगा बहुपद। देखिए एक सी स्क्वायर, ये वाला पद की जगह ये वाला है, अचर की जगह ये है भाई। यहाँ एक से घात वन है, यहाँ पर एक से घात वन वाला पद है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पद को गायब करना है, ये पद को गायब करना है। इसका मतलब ए का मान कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए भाई, एक से के गुणांक वाला पद ही नहीं है ना इसमें, तो कहा गया जीरो। ये इसका करेक्ट आंसर। नहीं आई बात समझ में, फिर से और एक बार देखिए। आपके पास में मालूम है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर बोल देता हूँ मैं, बी एक्स प्लस सी। जब भी कंडीशन ऐसी बोली जाती है कि एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, जब भी कंडीशन बोली जाती है कि आपके पास ऐसा बहुपद है जिसके शून्य क्या है? समान किंतु विपरीत चिन्ह के, तो ये बहुपद मैंने बना दिया कि जिसके शून्यक समान लेकिन विपरीत चिन्ह के है। इसको हल किया तो क्या आ गया? एक सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक सी स्क्वायर वाला पद इसमें भी है तो इसमें भी है, अचर पद इसमें भी है तो इसमें भी है, तो इसमें कौन नहीं है? एक सौ वाला पद नहीं है। इसका मतलब जहाँ पर एक सौ वाला पद है उसका मान कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसमें एक सौ वाला पद है तो वहाँ पर एक की जगह अगर जीरो रख देते तो ये वाला पद गायब हो जाएगा, यही यहाँ पर बोला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि बहुपद एक से स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन के शून्य अल्फा बीटा है। देखिए एक बहुपद दिया हुआ है हमें, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक से स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और माइनस वन, इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके शून्य कौन है? अल्फा और बीटा इसके क्या है? शून्य है, इतना भी हमें मालूम है। तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, इसका मान ज्ञात करना है हमें। इसकी पावर वन माइनस वन है, इसका मतलब क्या है? एक बटे अल्फा और एक बटे बीटा, दोनों का एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा से भाग दिया तो बीटा बार, और तो क्या हो गया? बीटा प्लस यहाँ क्या आ गया? अल्फा आ गया।
अल्फा प्लस बीटा का मतलब दोनों का योगफल, और दोनों का योगफल क्या होता है माइनस, और बी बी का मतलब एक से का गुणांक कौन है तीन, और बटे एक, तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री होगा, और डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का गुणनफल, तो एक गुणनफल क्या होता है माइनस वन डिवाइडेड बाय वन, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस वन, और माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका इतना। समझ में आई बात, फिर से और एक बार, अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना है, दोनों का योगफल क्या होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए तो माइनस तो है और बी के जगह थ्री है और डिवाइडेड बाई वन और होल डिवाइडेड बाई, गुणनफल क्या होता है सी, सी का मान कितना है माइनस वन और डिवाइडेड बाय एक सी स्क्वायर का गुणांक वन, तो आप देखेंगे कि ऊपर बचा माइनस थ्री और नीचे बचा माइनस वन, और माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या हो गया थ्री हो गया, करेक्ट आंसर ये है, सिंपल काम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स एक्स की पावर फोर और वाई स्क्वायर में एक्स की पावर फोर का गुणांक होगा, एक्स की पावर का गुणांक इसके गुणे में कौन है, हमसे ये पूछा है कि इसके गुणे में कौन है। देखिए सिक्स गुणित एक्स की घात चार गुणित वाई की घात दो, ऐसा है ना, एक्स की पावर फोर के गुणे में कौन है, ये छह भी है और वाई स्क्वायर भी है, तो सिक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, मतलब इसके गुणे में, तो ये भी तो गुणे में और ये भी गुणे में, तो इसका गुणांक मतलब गुणे में कौन है ना। चलिए ठीक है, एक बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इजिक्वल टू कौन सा, सी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए, इतना दिया हुआ है, के शून्य कौन है अल्फा बीटा और गामा, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों का अगर गुणनफल करते हैं तो क्या होगा, ये है ना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, तो आपको इसका डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला मालूम होना चाहिए कि अचर पद का ऋणात्मक माइनस क्या हो जाएगा ए और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक कौन है सी है, तो क्या हो गया माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, कहा गया माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, किसी द्विघात बहुपद, देखिए किसी द्विघात क्या दिया हुआ है, द्विघात के माइनस एक्स और इंटू एक्स और प्लस के एक्स और प्लस वन का शून्य माइनस थ्री है, शून्य कौन है माइनस थ्री है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, माइनस थ्री शून्य है इसका मतलब क्या हुआ, माइनस थ्री शून्य है इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एक्स का मान अगर माइनस थ्री रख देते हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका मान शून्य आ जाएगा, यही तो है शून्य का मतलब। देखिए के के जगह क्या रख देते हैं माइनस थ्री रख देते हैं, माइनस थ्री आ गई बात समझ में, और यहाँ पर भी एक्स के जगह माइनस थ्री रख देते हैं प्लस के, और यहाँ पर भी माइनस थ्री रख देता हूँ मैं प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। शून्य का मतलब तो यही होता है ना कि एक्स का मान अगर आप रख देते हैं तो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, एक्स का मान माइनस थ्री रख दिया तो के प्लस थ्री, और ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस थ्री के और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इस माइनस थ्री का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस थ्री के, और इस माइनस थ्री का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस नाइन, माइनस थ्री के और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री के और माइनस थ्री के क्या हो जाएगा माइनस सिक्स के, और वन में से नाइन को माइनस करेंगे तो माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, एट उधर जाएगा तो माइनस सिक्स के इज इक्वल टू एट, तो के का मान कितना हो जाएगा एट डिवाइडेड बाय माइनस सिक्स, और दो से चार बार दो से तीन बार कैंसिल तो माइनस फोर डिवाइडेड बाय थ्री, और करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंपल काम है। आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए कि अगर ये शून्य है, शून्य है कौन माइनस थ्री, तो एक से की जगह माइनस थ्री रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा, तो सेम ऐसे हम फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया तो सरल कर दिया तो के का मान आ गया ज्ञात हो गया। निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु इस पर आलेख पर स्थित नहीं है, देखना ध्यान देना इधर, थ्री एक्स प्लस टू वाई और इजिक्वल टू कितना है बारह है, देखना माइनस टू और माइनस थ्री लिखा है ना, इसका मतलब क्या है,
एक्स का मान माइनस टू और वाई का मान माइनस थ्री, ये मान रखने के बाद में संतुष्ट होना चाहिए। अगर संतुष्ट होता है तो इस रेखा, पहली बात यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक्स की घात कितनी है एक, यहाँ पर एक्स की घात कितनी है एक, चर की घात एक है तो रेखिक समीकरण है। इसका अगर ग्राफ बनाते हैं ना, इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी आपको, और जब सरल रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी तो इस पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते, कई सारे बिंदु होते हैं इस सरल रेखा पर। आपसे ये बोला है कि कौन सा बिंदु ऐसा है कि जो इस सरल रेखा के ऊपर नहीं है। यदि आप x का मान और y का मान इसमें रखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बिंदु उस रेखा पर नहीं है, संतुष्ट नहीं हो रहा ना, संतुष्ट नहीं हो रहा तो उस पर नहीं है। देखिए रख के देखता हूँ मैं, 3 माइनस टू प्लस टू इंटू माइनस थ्री और इजिक्वल टू 12, माइनस सिक्स इजिक्वल टू 12, तो माइनस 12 इजिक्वल टू 12, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऐसा बिंदु है जो इस रेखा के ऊपर नहीं है क्योंकि संतुष्ट नहीं हो रहा। और अच्छा आप बाकी के बिंदु रख के देखिए, आप बाकी के बिंदु रख के देखिए, 4 और 0 रख के देखता हूँ मैं, 3 4 प्लस 2 इंटू 0 इजिक्वल टू 12, देखिए 4 तिया 12 और ये तो 0 हो गया, इजिक्वल टू 12 संतुष्ट हो गया, इसका मतलब ये तो है। इसको भी रख के देखिए आप, x का मान 2 और y का मान 3, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इजिक्वल टू 12, तो 6 प्लस 6 इजिक्वल टू 12, तो 12 इजिक्वल टू 12, तो ये भी है। एक्स का मान 0 रखेंगे, y का मान 6 रखेंगे तो 12 बराबर से 12, तो मतलब ये भी है, तो ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है एक्स प्लस बी, ऐसा तो आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, के शून्य 2 और माइनस 3 है। देखिए 2 है इसका मतलब एक्स माइनस 2 एक गुणनखंड होगा, और माइनस 3 है तो एक्स प्लस 3 गुणनखंड होगा। आई बात समझ में, उल्टा होता ना काम, भाई एक्स इजिक्वल टू 2 है तो 2 इधर आएगा तो एक्स माइनस 2 इजिक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये गुणनखंड हो जाएगा कि नहीं, ऐसे माइनस 3 है तो इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। इसका अगर गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुना करेंगे तो प्लस 3x, फिर माइनस 2 का इसमें करेंगे तो माइनस 2x और माइनस 6। एक्स स्क्वायर, देखिए इधर कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6। आपको बोला है कि ये बहुपद है जिसके शून्यक ये थे और इससे हमने बहुपद बनाया, तो ये आ गया, आ गई बात समझ में। उन्हें बोला कि ऐसा बहुपद है, हमें पता चला कि ऐसा बहुपद है, तो किसका मान ज्ञात करना है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक से स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तुलना कर लेते दोनों की। यहाँ एक से का गुणांक कौन है, ए प्लस वन बराबर से, यहाँ पर एक से का गुणांक कौन है, वन है, तुलना कर दे, एक से के गुणांक की तुलना कर दी हमने, अचर गुणांकों की तुलना करेंगे तो b इजिक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इजिक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 और b का मान माइनस 6 कहाँ पर है, ये वाला, ये क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये वाला जो चैप्टर है इससे रिलेटेड हमने 47 क्वेश्चन किए और पूरा बेसिक कवर किया है यहाँ पर, है ना। यदि ये मान के चलिए कि आपने पूरा बेसिक किया है तो फिर तो फटाफट क्वेश्चन बन रहे होंगे आपसे, है ना। और यदि बेसिक पहले से नहीं पढ़ा है तो, हालांकि इसमें कवर करते हुए जा रहे हैं लेकिन ऐसा कवर बेसिक नहीं होता है, अगर आपको पूरा बेसिक कवर करना है तो आपको पूरा कोर्स एक तरफ से देखना पड़ेगा, और जब पूरा चैप्टर देखेंगे सारी बातें समझ में आती जाएगी, और फिर क्वेश्चन भी दिए हैं और क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। What?